नमस्कार दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सीजन का 31वां मैच 8 विकेट से गवा दिया। पहले खेलते हुए आरसीबी ने 171 रन बनाए थे, जिसे पंजाब ने गेल और केएल राहुल के अर्धशतकों के कारण प्राप्त कर लिया। दोस्तों, मैच के दौरान कोहली द्वारा डिविलियर्स को छठे नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजने पर खूब चर्चा हुई। डिविलियर्स इस क्रम पर आकर फेल हो गए। मैच के बाद कोहली से इस बारे में पूछा गया कि एबी डिविलियर्स को बल्लेबाजी करने छठे नंबर पर क्यों भेजा गया। इस पर कोहली ने कहा, हम बाएं दाएं बल्लेबाज का संयोजन चाहते थे, इसलिए ऐसा फैसला लिया। कोहली बोले, मैच काफी आश्चर्यजनक था, कई बार थोड़ा दबाव आपको भ्रमित कर सकता है। अंत में कहें तो ये किंग्स इलेवन द्वारा अच्छा प्रदर्शन था। वहीं डिविलियर्स को छठे नंबर पर भेजने पर उन्होंने कहा कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चाहते थे, इसलिए हमने डिविलियर्स से पहले सुंदर और शिवम दुबे को भेजने का फैसला किया। कभी कभी आप जो निर्णय लेते हैं वो गलत हो जाता है, और आज भी वही हुआ। लेकिन मुझे लगा कि 170 एक अच्छा स्कोर था। अंत में हमने वापसी भी अच्छी की थी, लेकिन आज पंजाब ने अच्छी बल्लेबाजी की और ये मैच ले गए। कोहली ने कहा, हम पंजाब के बल्लेबाजों पर दबाव नहीं ला पाए। आखिरी ओवर में मेरे और यूजी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ईमानदारी से कहें तो मुझे 18वें ओवर में मैच खत्म लग रहा था, लेकिन चीजें दिलचस्प हुई, हमने खेल में वापसी भी की। दोस्तों, इस मैच में कप्तान विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स को नंबर 6 की पोजीशन पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। वहीं वॉशिंगटन सुंदर को भी कोहली ने गेंद काफी देर से थमाई। उनकी यही गलतियां टीम की हार का एक बड़ा कारण रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है, इस पर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।